एक माध्यम है सिर्फ, उससे ज्यादा हमारे लिए कुछ भी नहीं है। ये चीज तो आप ही कहती हैं कि जी लाइक कीजिए, ये चीज तो आप ही कहती है शेयर कीजिए, ये चीज आप ही कहती है सब्सक्राइब कीजिए। भाई हमने तो आपका सब्सक्राइब किया हुआ है आपको हमें तो कहने की जरूरत नहीं, हम तो आपको छोटी बहन मानते हैं, हमने तो आपका सब्सक्राइब किया हुआ है भाई, और देख भी लेते हैं जब भी कभी कभी टाइम आ जाता है। तो ये पर्सनल अटैक करना, ये हम आपके बड़े भाई है छोटी बहन कहते हैं आपको, अच्छा नहीं लगता। और हम चाहते हैं कि ये रिश्ता बना रहे, कोई बात नहीं, हमारा दिल नहीं करता आपको कोई सूचना देने के लिए। जब हमें ये यकीन हो जाएगा कि हाँ हमें ये सूचना, हमने आप पे इल्ज़ाम नहीं लगाया कि आप वहाँ मिल गई हैं या आपको खरीद लिया गया है या आप उनसे उनसे मिल गई है या आपने बाजी पलट ली है, दूसरी तरह आप चली गई, हम नहीं कहते। हम तो सिर्फ इतना कहते हैं कि जब से आप इंटरव्यू करके आई हैं तो हमें लगा कि सरकार बदली बदली नज़र आ रही है हमारी छोटी बहन, तो हमारा यकीन आपसे उठ गया। तो जब आपका आपसे हमारा यकीन उठ गया तो हम कैसे बताएं, जब किसी इंसान से यकीन ही उठ जाए तो आपको कैसे बताएं। नहीं तो पहले हम आपको वीडियो भी देते थे, सारी जानकारी शेयर करते थे, हमारे पास पूरा डिटेल पड़ी हुई है, व्हाट्सएप पे आपसे बातें भी होती थी, लेकिन उस इंटरव्यू के बाद हमारा यकीन नहीं रहा आप पे। तो हमने ये नहीं कहा कि आप जो ना कोई बेईमान हो गई है, आपने पैसा ले लिया, नो, हमारा कोई मकसद नहीं है, लेकिन हमारा दिल नहीं मानता आप पे यकीन करने के लिए, बस इतना है। जिस दिन हमारा दिल ये मान जाएगा कि हमें आप पे यकीन करना चाहिए, तो उस वक्त हम आपको बताएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो ये हरकतें हैं ना, इस तरह के एलिगेशंस, मैं तो सवाल पूछूंगी, मैं तो पत्रकार हूँ, मैं तो ये हूँ, भाई कौन से चैनल की पत्रकार है, हमें चैनल का नाम भी बता दे भाई, किस चैनल से सैलरी आ रही है आपको, किस चैनल पे आप काम कर रही है ये भी बता दो ना। यूट्यूब चलाने में, यूट्यूबर कहने में आपको कोई परेशान नहीं है क्या, हैं? दुनिया यूट्यूबर चला रही है, आपका चैनल आप चलाओ, यूट्यूब से, यूट्यूब पे ही है ना आपका चैनल, तो आपको यूट्यूबर कहने में या यूट्यूबर पत्रकार कहने में दिक्कत है? कुछ भी दिक्कत नहीं, पढ़ी लिखी है, समझदार है, सब कुछ है, सारा सिस्टम ठीक है, लोग देखते भी हैं आपको, अच्छा बोलती भी हो आप, अच्छी ड्राफ्टिंग भी करती हो, सारी क्वालिटी है आपके अंदर, लेकिन हमारा यकीन नहीं रहा आप पे, बस इतना सा फर्क है। हम तो आपकी अब भी तारीफ करते हैं, आपके काम की तारीफ करते हैं, आपने मेहनत भी की है, हम ये क्यों कहें कि आपने मेहनत नहीं की, नहीं, इंटरव्यू से पहले हम आपको मेहनती समझ रहे थे और सारी मेहनत देख रहे थे आपकी, इंटरव्यू के बाद हमारा यकीन खत्म हो गया, बस हो गया तो हो गया। अब हम कोई चीज़ आपको बताना नहीं चाहते, हम कोई चीज़ आपको समझाना नहीं चाहते, तो फिर काहे को बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है, नहीं देना चाहते हम आपकी मदद, कोई हमें नहीं चाहिए, ना आपकी मदद चाहिए, ना आपकी, आप हमारी केस की आवाज़ उठाओ, हमें कोई मतलब नहीं, हम मदद चाहते नहीं, आप अपने लेवल से उठाती रहो, हमें उससे क्या लेना देना, बट हमें आपकी कोई हेल्प नहीं चाहिए इस बारे में किसी भी प्रकार की, और ना ही हमें कोई ये चाहिए कि भाई आपके बगैर हमारा कोई काम रुका हुआ है, नो, लीगल काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। क्योंकि अब इस तरह की बातें कि जी क्या हुआ, आपने उस पर कम्युनिटी पे भी पोस्ट लगाई कि क्या हुआ, हैदर नहीं आया, हैदर आएगा, और मैंने कहा था कि देश के किसी भी चैनल्स को इंटरव्यू नहीं होने दूंगा, सबसे पहले भारत के यूट्यूबर्स इंटरव्यू करेंगे, जब चाहे जहां चाहे वैसे इंटरव्यू होंगे, लेकिन सॉरी, आपकी इन बातों की वजह से आपका इंटरव्यू हम नहीं होने देंगे, ये हम आपको कह रहे हैं। गुलाम हैदर जब भारत में आएगा, आपका डायरेक्ट इंटरव्यू नहीं होने देगा मोमिन मलिक, ये आपको बता रहा है। अगर इसी प्रकार ये जो आप कर रही है ना कि क्या हुआ, आएगा भी, जब हम पूछेंगे आपसे, देखिए आ गया, हम पूछेंगे बाकायदा कि देख आ गया कि नहीं आ गया, कोर्ट में भी पेश करेंगे, बच्चे भी दिलवाएंगे, सारी कानूनी कार्रवाई में भी शामिल होगा, लेकिन यूट्यूबर भी सारे होंगे, यूट्यूबर के बाद सारे चैनल वाले भी होंगे, लेकिन उस सफ में, उस सभा में आपको इजाजत नहीं होगी, ये हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार की आपकी
ये बातें हैं ना जो आप कम्युनिटी पे लिख रही हैं, जो मर्जी लिख रही हैं, इस प्रकार के ये क्वेश्चन उठाना नहीं होता, ये बात को खराब करना होता है। और गुलाम हैदर के केस को सबसे ज्यादा जो खराब किया है वो दो महिलाओं ने खराब किया है। वक्त आने पर उनके नाम बता दूंगा कि कौन सी दो महिलाएं हैं जिन्होंने गुलाम हैदर के केस को, जो आसमान पर पिक पे था, उसको जमीन में फेंक दिया। उस केस को जमीन में फेंकने की कोशिश की गई, लेकिन हमने उनको जमीन में नहीं लगने दिया। दो महिलाओं ने सबसे ज्यादा गुलाम हैदर के केस को इफेक्ट किया है, खराब किया है। उनके नाम जब बच्चे हम दिलवा देंगे, जब उनके नाम बताएंगे कि कौन सी दो महिलाएं थी जिन्होंने गुलाम हैदर के केस को जो है सबसे ज्यादा इफेक्ट किया है। तो ऐसा ना करो। हम अब भी आपसे कह रहे हैं, आपको हम छोटी बहन कहते हैं, इस प्रकार की हरकतें आपको शोभा नहीं देती। आप कोई कोई ऐसा नहीं है कि आप कोई तजुर्बा नहीं है आपको, आपको अच्छा एक्सपीरियंस है काम करने का जर्नलिज्म में, पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, अच्छे परिवार से हैं और खानदानी परिवार से हैं, अच्छा बैकग्राउंड है, अच्छी फाइनेंस पोजीशंस है आपकी, अच्छा बोलती भी हैं, अच्छा ड्राफ्ट भी करती हैं, बट इस प्रकार की हरकतें आपकी सारी क्वालिटी को जो है वो डाउन कर देती है, आप पे शोभा नहीं देती है। ये चीज़ें आप पे शोभा नहीं देती, बिल्कुल भी शोभा नहीं देती। मैं बड़ा भाई होने के नाते आपको समझा ही रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको शोभा नहीं देती। आप एक अच्छी मेहनत कर रही हैं, बस हमारा यकीन नहीं रहा। हम इतना कह रहे हैं, हमारा कोई एलिगेशन पर्टिकुलर नहीं है, सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जब से आप इंटरव्यू करके आई हैं तब से हमारा दिल की हमारे दिल में ये आवाज़ उठती नहीं कि हम आपको कोई सीक्रेट बात बताएं, किसी डॉक्यूमेंट को शेयर करें। हमारा दिल नहीं मानता। जिस दिन हमारा दिल अलाउ कर देगा कि हाँ आप पे यकीन करना चाहिए तो हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपकी इस प्रकार की जो हरकतें, जो ये जो बच्चों जैसी जो हरकतें हैं, एक मैच्योर आप जर्नलिस्ट हैं, आप मैच्योर एक यूट्यूबर हैं और अच्छा बोलती भी हैं, लेकिन ये बच्चों वाली जो हरकतें हैं ना, ये अच्छी आपको शोभा नहीं देती। हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हमारे बारे में जो मर्जी बोलती रही, हमें फर्क नहीं पड़ता। मैं डरने वाली नहीं हूँ, मैं झुकने वाली, हमने कब डराया आपको? हमने तो डराया नहीं आपको। मैं झुकने वाली नहीं हूँ, हमने तो झुकाया नहीं आपको। मैं जिंदाबाद करने वाली नहीं हूँ, हमने तो कहा नहीं आप जिंदाबाद करो। हम तो कहते हैं हमारी उम्र भी आपको लग जाए, छोटी बहन हो आप, हम तो चाहते हैं आप आगे बढ़ो, फलो फूलो, हमारी एज भी आपको लग जाए, आप 100 साल जियो। मैं तो कहता हूँ 120 साल जियो आप, 100 साल तो कम है।